Hello students, so today we learn how to write an application for a job. As you already know that the marks distribution of CBSE 2020 exam has changed, and you will get 40 objective type questions and 40 marks objective type questions, and then the rest 40 marks will be subjective questions. So in that subjective section we will have literature as well as writing section. And in that writing section, so we have various types of questions. One among them is of writing a letter, okay, letter writing. As you've already done, I hope you've done in class 11, you already know how to write a letter. So in 12, the new thing that they are teaching you is how to write an application for a job, okay. So the most important thing you need to understand, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये एक बहुत ही ईजी स्ट्रेटिजिक सिस्टमेटिक एक लेटर होता है. इसमें ज़्यादा खुद का दिमाग नहीं लगाना है, कुछ क्रिएटिविटी ज़्यादा नहीं लगानी है. बहुत सिंपल फॉर्मेट है, अगर उस फॉर्मेट को लेके आप चलेंगे तो पूरे 5 के 5 मार्क्स आपके हो सकते हैं. सो देयर इज़ नो, मतलब वन ऑफ द ईजिएस्ट लेटर्स टू राइट इज़ एन एप्लीकेशन फॉर अ जॉब. लेटर टू द एडिटर के ऑप्शन में ये क्वेश्चन आएगा. सो अगर लेटर टू द एडिटर में अगर उन्होंने कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक दे दिया बहुत ज़्यादा, कि जिसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, उसके ऑप्शन में हमेशा ये क्वेश्चन होगा इस बार एटलीस्ट एप्लीकेशन फॉर अ जॉब. एंड एप्लीकेशन फॉर अ जॉब एक ही तरीके की एप्लीकेशन हो सकता है कि एक जॉब होगा और उसके लिए तुमको अप्लाई करना होगा, बस. वो जॉब चेंज हो सकते हैं, जॉब चेंज होते रहेंगे. कभी तुम टीचर के लिए अप्लाई करोगे, कभी तुम एडवोकेट के लिए अप्लाई करोगे, कभी तुम अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करोगे, कभी तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करोगे, कभी तुम डॉक्टर के लिए अप्लाई करोगे. जॉब चेंज होते रहेंगे बट एप्लीकेशन सेम रहेगी. सिर्फ और क्या चेंज होता है जॉब के साथ, क्वालिफिकेशंस बस. जैसा अगर तुम डॉक्टर के लिए अप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली तुमने क्या करा होगा, MBBS किया होगा. अगर तुम टीचर के लिए अप्लाई करोगे तो तुमने MA BEd किया होगा. अगर तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करोगे तो तुमने CA किया होगा, 3 पेपर पास करे होंगे. BCom करा हो सकता है. अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करोगे तो BCom ज़रूरी है. ऐसा इसमें बस इतना थोड़ा दिमाग लगाना है, बाकी सारा फॉर्मेट सेम है. सो आज हम ये सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन. पहले मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बोलूँगा, ये जो सामने तुम्हें क्वेश्चन दिख रहा है यही क्वेश्चन हम देखेंगे, इसका मॉडल आंसर देखेंगे. एंड देन आई विल गिव यू एन असाइनमेंट. उस असाइनमेंट या वर्कशीट में एक सिमिलर क्वेश्चन होगा, एकदम सेम क्वेश्चन होगा. आप लोगों के सामने एक मॉडल आंसर भी होगा. यू विल जस्ट चेंज ऑल द थिंग्स दैट नीड्स टू बी चेंज. ठीक है, दैट नीड्स टू बी चेंज्ड. यू विल चेंज दोज थिंग्स, वो सारी डिटेल चेंज कर दोगे और तुम्हारा वर्कशीट, तुम्हारा असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा. सो आई एम रीडिंग आउट द क्वेश्चन नाउ. बाल विद्या पब्लिक स्कूल भिलई अर्जेंटली रिक्वायर्स अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर टू टीच पॉलिटिकल साइंस फॉर विच दे हैव प्लेस्ड एन एडवर्टाइजमेंट इन द भिलई एक्सप्रेस. तो इससे हमें क्या पता चला, 2-3 इन्फॉर्मेशन हमें मिली यहाँ पे. कि एक तो किसको चाहिए, कौन दे रहा है जॉब, बाल विद्या पब्लिक स्कूल जॉब दे रहा है. किस चीज़ का जॉब दे रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का, PGT. कौन सा सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस. 3 चीज़ें हमें इस में पता चल गई हैं. और एक और चीज़ पता चली है कि उन्होंने एडवर्टीजमेंट किस अखबार में डाला था, द भिलई एक्सप्रेस में उन्होंने एडवर्टीजमेंट दिया था. ठीक है. यू आर संजय संजना शर्मा फ्रॉम 21 वसंत मार्ग भिलई. अब तुम कौन हो, पहली बात सब बच्चे ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि वो हर लेटर में अपना ही नाम लिख देते हैं, कि उनका जो खुद का रियल नाम होता है. बट बोर्ड एग्जाम्स में तुम्हें परमिशन नहीं होती है कि तुम अपना नाम कहीं पे भी यूज़ करो, इवन इन आंसर्स. सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइज्ड, और यूजुअली हमेशा क्वेश्चन में नाम दिया होता है. तो जब भी तुम नाम लिख रहे हो अपना बोर्ड एग्जाम में, किसी भी सब्जेक्ट में, कहीं पे भी अगर तुम्हें ऐसी सिचुएशन आ रही है कि तुम्हें अपना नाम लिखना पड़ रहा है, तो एक बार वहीं पे रुक जाना, सोचना क्या तुम्हें अपना नाम लिखना है वहाँ पे या फिर क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है. तो तुम इस बहुत बड़ी गलती से, क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं, फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं. अगर तुम्हें फॉर्मेट में अपना नाम लिख दिया, जो नाम क्वेश्चन में दिया वो नहीं लिखा, तो ऑब्वियसली तुम्हारे को फॉर्मेट के मार्क्स नहीं मिलेंगे. सो नाम याद रखना है, किसने लिखना है लेटर. अगर तुम लड़के हो तो संजय ने लिखना है, अगर तुम लड़की हो तो संजना ने लिखना है. तो ऑब्वियसली ये बॉय स्कूल है तो यहाँ पे सिर्फ संजय मिलेंगे, तो तुम्हें संजय लिखना है लेटर के एंड में. सो ड्राफ्ट अ लेटर इंक्लूडिंग अ CV, और लेटर के साथ एक CV जाता है जो मैं तुम्हें अभी आगे बताऊंगा. अप्लाइंग फॉर द एडवर्टाइज्ड पोस्ट.
एंड द वर्ड लिमिट शुड बी 120 to 150 वर्ड्स. सो बहुत छोटा लेटर ये होता है, ठीक है. इसमें कोई बहुत लंबी कहानी नहीं लिखनी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सिंपल एक सेट फॉर्मेट है, वही दो चार लाइन यूज़ करनी है, उसी में डिटेल चेंज कर देनी है, दैट्स इट. एंड देन द लेटर विल बी कम्प्लीट. सो स्टार्टिंग विद द फॉर्मेट, पहले हम फॉर्मेट पे आ जाते हैं. मैं तुम्हें एक फॉर्मेट दिखाता हूँ. सबसे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, एक भिलाई बाल विद्या पब्लिक स्कूल को एक PGT पॉलिटिकल साइंस का टीचर चाहिए, ठीक है. तो उसमें सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले डालना है, क्योंकि तुम हो संजय शर्मा, तुम एक पॉलिटिकल साइंस पढ़े हुए हो, तुम उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, तुम उस स्कूल में पढ़ा सकते हो. तो सेंडर कौन होगा? तुम हो सेंडर. तो किसका एड्रेस आएगा यहाँ पे? संजय शर्मा का. अब संजय शर्मा का एड्रेस वहाँ पे दिया था क्या क्वेश्चन में? अगर दिया था तो वही एड्रेस लिखेंगे. अगर क्वेश्चन में सेंडर का एड्रेस नहीं दिया है तो तुम उसी सिटी में कोई भी रैंडम एड्रेस डाल सकते हो, जैसे XYZ स्ट्रीट दिल्ली, अगर दिल्ली का बात होती है. जैसे यहाँ पे भिलाई है, अब यहाँ पे तो उन्होंने दिया है, क्या एड्रेस दिया है यहाँ पे? फ्रॉम 21 वसंत मार्ग. तुम ये यू आर संजय शर्मा फ्रॉम, मतलब ये तुम्हारा एड्रेस है, फ्रॉम 21 वसंत मार्ग भिलाई, ये तुम्हारा एड्रेस है, ये सेंडर का एड्रेस है. तुम सेंडर हो इसीलिए ये एड्रेस दिया हुआ है. सो वी विल यूज दिस एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस. जैसे मैंने दिखाता हूँ तुमको, यहाँ पे ये है सेंडर्स एड्रेस, हमने यही लिखा है 21 वसंत मार्ग भिलाई, ठीक है. उसके बाद क्या आता है? सेंडर्स एड्रेस के बाद एक लाइन छूटती है, यू लीव अ लाइन, ठीक है. जहाँ पे भी रेड लाइन तुम्हें दिख रही है वहाँ पे तुम्हें लाइन छोड़नी है. देन यू लीव अ लाइन, देन यू राइट द डेट, ठीक है. डेट किस फॉर्मेट में लिखोगे? किसी भी फॉर्मेट में मत लिखना, सिर्फ एक फॉर्मेट याद रखो, 3. अब जो मंथ होता है उसका मंथ का पूरा नाम लिख दो और 2020. कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो 3-08-2020 वो गलत है, 3/08 ऐसे लिखते हैं, वो सब नहीं लिखना है. सिर्फ एक दो फॉर्मेट चलते हैं लेटर में डेट्स के. डेट का ये वाला फॉर्मेट याद रख लो, बस डेट लिख, नंबर, मंथ और 2020 ईयर. जिस दिन तुम एग्जाम लिख रहे हो उसी दिन का डेट तुम डाल सकते हो. अब देन उसके बाद क्या आता है? उसके बाद भी एक लाइन छोड़ते हैं, ठीक है. उसके बाद आता है रिसीवर्स एड्रेस. रिसीवर कौन है यहाँ पे? जिसके पास लेटर जाएगा वो रिसीव करेगा उस लेटर को, इसीलिए उसको रिसीवर कहते हैं. एंड रिसीवर इज वो स्कूल में, जिस स्कूल में तुम अप्लाई करोगे वो स्कूल रिसीव करेगा, राइट. एंड देन वो स्कूल में तुम एक पर्टिकुलर आदमी को एड्रेस करोगे, ठीक है. सो जिस स्कूल में भी मान लीजिए तुमको अप्लाई करना है, तो यूजुअली एड्रेस किसको होता है? वहाँ के हेड को, ठीक है. तो स्कूल का हेड कौन होता है? प्रिंसिपल. तो इसीलिए हम प्रिंसिपल अपने आप लिख देंगे वहाँ पे, द प्रिंसिपल बाल विद्या पब्लिक स्कूल एंड भिलाई. एड्रेस लिखने का भी तरीका होता है, वो मैं तुम्हें धीरे धीरे बताऊंगा. एड्रेस कैसे लिखना है? 3 लाइन में या 2 लाइन में एड्रेस लिखना होता है. यही हम भिलाई बाल विद्या पब्लिक स्कूल भिलाई एक ही लाइन में नहीं लिख सकते हैं. हमेशा जो सिटी है वो अकेले लिखी जाती है, बस इतना याद रखो. जो सिटी है, जो भी सिटी होगी, वो अकेले लिखी जाएगी अलग लाइन में, वो कभी भी पूरे एड्रेस के साथ सिटी नहीं आती, ताकि सिटी अलग से दिखे. क्योंकि जब जो लोगों को लेटर भेजना है उनको पहले पूरा लेटर पूरा एड्रेस नहीं पढ़ेंगे उनको, अदरवाइज़ बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा. इसीलिए सिटी अलग से लिखी जाती है नीचे, ताकि वो इंस्टेंटली देख लें कि सिटी कौन सी है, उस सिटी के एरिया वाले कोर्ट में वो लोग लेटर को तुम्हारे पोस्ट कर देंगे. इसीलिए देन सबसे पहले देखा हमने सेंडर्स एड्रेस, लाइन छोड़ी, डेट, डेट का फॉर्मेट देखा, फिर लाइन छोड़ी, फिर रिसीवर्स एड्रेस लिखा, फिर से लाइन छोड़ी. देन वी राइट द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट लिखने के लिए ये भी लिखते हैं, ये वर्ड सब्जेक्ट भी लिखते हैं कि सब्जेक्ट, सेमीकोलन लगा देते हैं, एप्लीकेशन फॉर द जॉब ऑफ, ये लाइन कॉमन रहेगी हमेशा. अगर एप्लीकेशन फॉर द जॉब आई तो ये तुम सब्जेक्ट यही लिखोगे, और कोई सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत ही नहीं है. कि एप्लीकेशन फॉर द जॉब ऑफ, जो भी जॉब है यहाँ पे वो उसका नाम यहाँ पे डाल दोगे. तो यहाँ पे क्या लिखोगे? पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन पॉलिटिकल साइंस, PGT पॉलिटिकल साइंस, ठीक है. अगर कुछ एप्लीकेशन फॉर द जॉब ऑफ डॉक्टर होता है तो डॉक्टर सीधे, एप्लीकेशन फॉर द जॉब ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ पे लिख देते हैं हम. तो जो भी होगा जॉब, जॉब चेंज हो जाएगा, बट ये लाइन चेंज नहीं होगी सब्जेक्ट की हमारी, एप्लीकेशन फॉर द जॉब ऑफ ही रहेगी. फिर से हम लाइन छोड़ेंगे एक, फिर लिखेंगे sir/madam और कॉमा नहीं लगाएंगे, ठीक है. sir/madam लिखेंगे. कुछ बच्चे सिर्फ सर लिखते हैं, कुछ बच्चे लिख देते हैं डियर सर, कुछ बच्चे लिख देते हैं रेस्पेक्टेड सर. सो होता क्या है कि डियर सर एंड रेस्पेक्टेड सर आर ऑल्सो ओके, एक्सेप्टेबल है, वो मान लेते हैं.
बट बेस्ट जो सबसे सेफ रहता है, क्योंकि डियर सर और रेस्पेक्टेड सर में अंतर होता है थोड़ा. रेस्पेक्टेड सर तुम जो बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट जिसको तुम देना चाहते हो, जो अनजान आदमी है जिसको तुम बिल्कुल नहीं जानते हो, उसके लिए यूजुअली रेस्पेक्टेड सर लिखते हैं. एंड डियर सर हम थोड़ा जिसको जानते हैं, ठीक है, उसको लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसी अनजान आदमी को तो थोड़ा डियर बोल दोगे. तुम्हारे से बहुत बड़ी पोस्ट का मान लो आदमी है उसको लिख रहे हो, तो डियर नहीं बोल दोगे उसको एकदम से. इसीलिए वो दोनों थोड़े ट्रिकी हैं. ऑल्दो एक्सेप्टेबल हैं, गलत नहीं होंगे, बट सबसे बेस्ट होता है, सबसे आसान होता है, ईजी टू यूज, सर स्लैश मैडम. एंड सर स्लैश मैडम क्यों लिखना है, क्योंकि हमें नहीं पता जो बाल विद्या पब्लिक स्कूल का प्रिंसिपल है वो आदमी है या औरत है. अगर तुम सिर्फ सर लिख के एप्लीकेशन लिख दोगे और कोई कॉपी जो तुम्हारी चेक कर रही है वो मैडम होगी, ठीक है, तो वो इस चीज़ को नोटिस करेगी, क्योंकि औरतें नोटिस कर लेंगी कि तुमने सिर्फ सर को एड्रेस किया है. प्रिंसिपल औरत भी हो सकती है, जहाँ पे तुमको नहीं पता है कि कौन किसको लिख रहे हो, किस आदमी को लिख रहे हो या औरत को लिख रहे हो, तब तक तुम हमेशा ये यूज़ करना सर स्लैश मैडम, बी ऑन द सेफर साइड. ठीक है, कोई बुरा ना मान जाए कि तुम्हारी एप्लीकेशन तुमने सिर्फ सर ही को लिखी थी, तो शायद प्रिंसिपल औरत थी तो तुम्हारी एप्लीकेशन पढ़ेगी ही नहीं वो, इवन दो यू आर द बेस्ट कैंडिडेट. ठीक है, सो सर स्लैश मैडम लिखेंगे, देन वी विल नॉट लीव अ लाइन. तब हम लाइन नहीं छोड़ेंगे, सीधे ये शुरू करेंगे. ये तुमको याद कर लेना, ये लाइन अगर याद कर सकते हो, ये पैराग्राफ बिल्कुल ऐसा ही रहता है, किसी में भी ज़्यादा चेंज नहीं होता है. इतना अगर तुम लिख दे रहे हो तो मतलब पूरे 5 मार्क्स. दिस इज विद रेफरेंस टू द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन, अब ये लाइन इन एडवर्टाइजमेंट किस अखबार में पब्लिश हुआ वो लिखना है. दिस इज विद रेफरेंस टू द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन, जो भी अखबार का नाम, डैश में ऑन, तारीख लिख देना है, जो तारीख आज की जिस दिन तुम लेटर लिख रहे हो उससे 2-3 दिन पहले का एडवर्टाइजमेंट की तारीख लिखनी है, कि 2-3 दिन पहले आया था. फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे लिख देंगे पॉलिटिकल साइंस जैसे इस एग्जाम्पल में. अब उसके बाद आता है थोड़ा और बॉडी, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखते हैं, कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से पढ़ा हूँ, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है और मैं और अच्छा जॉब चाहता हूँ इसीलिए, या फिर मैं सिटी चेंज कर रहा हूँ इसीलिए मैं जॉब चेंज कर रहा हूँ, और मैं बहुत ही पैशनेट हूँ पढ़ाने के लिए, या फिर पेशेंटों को ट्रीट करने के लिए, या फिर अकाउंटिंग के लिए, मैथमेटिक्स मेरे को बहुत अच्छी लगती है. ऐसी ऐसी चीज़ें तुम अपने बारे में लिखोगे ताकि तुम अपने आप को बाकी लोगों से अलग कर सको. जो बाकी लोगों में क्वालिटीज़ नहीं हैं या फिर उनमें हैं वो बता नहीं रहे हैं, तुम एटलीस्ट बता रहे हो. सो दिस इज़ वॉट विल मेक योर एप्लीकेशन स्टैंड आउट. वो अलग दिखेगी तुम्हारी एप्लीकेशन कि तुमने अपने आप को इंट्रोड्यूस कितने अच्छे तरीके से किया है. बस ये 2-3 लाइन लिखने के बाद, तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारी क्वालिफिकेशन ये है, थोड़ा सा लिखना है यहाँ पे, पूरी क्वालिफिकेशन की डिटेल नहीं देनी है, डिटेल देने हैं सीवी में, वो सीवी में हम आएंगे थोड़ा. यहाँ पे एप्लीकेशन में तुम्हारा नाम, मेरा नाम ये है, माय नेम इज संजय शर्मा, आई एम बीपीएड, आई एम एमए इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, आई हैव डन माय बीएड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इन द ईयर 2013. And I am trying to shift to a better job for better professional prospects. That is why I am looking forward to the post of PGT Political Science in your school. I am very passionate about teaching and also about current affairs, which also makes my profession easier. और उसके बाद इतना तुमने बोल दिया, उसके बाद तुम एक लास्ट वाली लाइन ये भी लिखोगे कि please find attached. द रेज्यूम अटैच्ड की जगह enclosed भी लिख सकते हो, दोनों मतलब ये होता है कि इस लेटर के पीछे एक और लेटर है, तो वो भी देखना है आपको, खाली ऊपर का लेटर देख के छोड़ नहीं दो. कि प्लीज़ फाइंड अटैच्ड द रेज्यूम, रेज्यूम सी वी या बायोडाटा. ये तुम्हारे क्वेश्चन में तीनों वर्ड यूज़ हो सकते हैं, तीनों का मतलब सेम ही है. जो क्वेश्चन में यूज़ होगा वो तुम लोग यूज़ कर देना, कि सी वी रेज्यूम फॉर योर काइंड परयूजल, अपने 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 आपके काम के लिए प्लीज़ कंसिडर करने के लिए एक बार मेरा जो अटैच्ड है सीवी वो भी चेक कर लें. उसके बाद लाइन छोड़ोगे, उसके बाद लिखोगे थैंक यू. एंड रिमेंबर यहाँ पे थैंकिंग यू नहीं लिखते हैं, ठीक है. थैंकिंग यू एक यू कैन से टेक्निकली ग्रामर में गलत है वो. सो यू विल जस्ट राइट दिस थैंक यू एंड वी विल राइट योर्स ट्रूली. अब यहाँ पे बच्चे तुम लोग क्या पता बचपन से योर्स फेथफुली लिखते आए होगे या फिर योर्स सिंसियरली लिखते आए होगे. मैं बच्चों को सबसे इजी तरीका ये बताता हूँ ट्रूली, क्योंकि ट्रूली की स्पेलिंग बहुत आसान है. सिंसियरली की स्पेलिंग बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, फेथफुली की भी स्पेलिंग बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, ठीक है. बिकॉज तुम स्पेलिंग से एटलीस्ट मार्क्स नहीं खोगे, इसीलिए
सेफेस्ट ऑप्शन क्या होता है, योर्स ट्रूली, एंड उसके बाद तुम क्या लिखोगे, अपना नाम नेक्स्ट लाइन में, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा कवर लेटर, ये है कवर लेटर का फॉर्मेट, सेंडर्स एड्रेस लाइन छोड़ के, डेट लाइन छोड़ के, रिसीवर्स एड्रेस लाइन छोड़ के, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द जॉब ऑफ, जो भी एप्लीकेशन है, उसके बाद एक और लाइन छोड़ देना है, फिर लिखना है सर मैडम, फिर तुम्हारा जो भी लेटर का बॉडी है, उसके बाद फिर लाइन छोड़ के थैंक यू योर्स ट्रूली और उसके बाद नाम। उसके बाद आता है तुम्हारा बायोडाटा, सीवी और रिज्यूम, इसके भी एक सेट फॉर्मेट है, इसमें भी तुम्हें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तीन चार मतलब पांच छह चीज़ें लिखनी होती हैं, सिंपल सिंपल ऐसे बॉक्स बनाना है तुमको वहाँ पे लेटर, और ये जो लेटर लिखा है इसके बाद ही बॉक्स बनेगा, पहले नहीं बनेगा, पहले सीवी नहीं लगेगा, क्योंकि तुमने बोला है लेटर में कि मेरा अटैच्ड है इसमें, तो इसका मतलब वो पीछे है, तो लेटर के बाद आएगा सीवी। ऐसे तुम ऊपर लिखोगे बड़ा सा बॉक्स बना के, फिर लेफ्ट साइड में नेम, बीच में लाइन खींच देना, लेफ्ट साइड में नेम, फिर एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल, ईमेल, ठीक है, ये सारी चीज़ें आएंगी, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब ये जो दो तीन चीज़ें लिखनी होती हैं इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट वो ये होती हैं कि इनका तरीका क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। इसमें क्या करना होता है, सबसे रिसेंट जो तुम्हारा क्वालिफिकेशन है वो सबसे पहले लिखना है, ठीक है, क्योंकि तुमने एमए सबसे लास्ट में किया है, अभी तक सबसे रिसेंट है, तो वो सबसे ऊपर लिखोगे, उसका परसेंटेज, यूनिवर्सिटी का नाम लिख दो, उसके बाद तुमने मुझसे पहले बीए किया होगा वो लिख दो, उसके बाद 10th 12th जो भी कर रहा है उसके बाद लिख दिया, जॉब एक्सपीरियंस, और यहाँ पे परसेंटेज तुम कुछ भी लिख सकते हो, तुम अच्छा अपने आपको कैंडिडेट दिखाना चाहते हो तो 90% 95% तुम्हारी मर्जी है, यहाँ पे 99% भी इसके आए हुए हैं 10th में 12th में। अब जॉब एक्सपीरियंस अगर तुम्हें दिखाना है तो जॉब एक्सपीरियंस भी तुम सबसे रिसेंट वाला पहले लिखोगे, उसके बाद जो पुराना है, सबसे रिसेंट जो है लिखा इसने दिल्ली पब्लिक स्कूल 2017 से 2020 तक, एंड टीचर एसएसटी का भी रहा है ये ब्लूम पब्लिक स्कूल 2015 से 17 तक। एक्सपेक्टेड सैलरी, कितना पैसा तुम चाहते हो उस जॉब से, एंड देन उसके बाद लिखने होते हैं रेफरेंसेस। रेफरेंसेस मतलब ये होता है कि दो तीन आदमी की जान पहचान आप हमें नंबर दो, जिनसे हम पूछ सकें कि आप कैसे टीचर हो अगर हमें पूछना है तो कुछ ऐसे लोगों का नाम दिया जाता है जो यूजुअली रेस्पेक्टेड होते हैं बहुत, या फिर इंस्टीट्यूशन का हेड हो गया जैसे, या तुम्हारे कॉलेज के प्रोफेसर हो गए, तो वो सोसाइटी में रेस्पेक्टेड होते हैं वो लोग, तो इसलिए उनकी जो बात अगर वो कहेंगे कि तुम अच्छे कैंडिडेट हो तो वो मानी जाएगी। इसीलिए जो भी तुम्हारे जान पहचान के अगर अच्छे अगर एक्सपीरियंस जॉब एक्सपीरियंस से ही दे सकते हो कि जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल में इसने पढ़ाया है तो उसी ने वहाँ के प्रिंसिपल का नाम दे दिया, और इसने वाइस प्रिंसिपल का नाम दे दिया ब्लूम पब्लिक स्कूल के, ठीक है, तो तुम अपने कॉलेज के प्रोफेसर का भी नाम लिख सकते हो ऐसे कि प्रोफेसर इन दिस कॉलेज, तुम अपने कॉलेज से लिख दो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर। तो वो दो रेफरेंसेस लिखने होते हैं, एक नहीं दो, मिनिमम टू रेफरेंसेस लिखने होते हैं, बस इतना होता है सीवी, ठीक है। इतना अगर तुमने लिख दिया देन तुम्हारे 5 मार्क्स हैं, 100% है, कोई भी एक मार्क्स भी कहीं भी नहीं काट सकता, एंड दिस इज़ वेरी इजी इन द सेंस कि इसमें कुछ भी याद नहीं करना है, कुछ भी सोच के नहीं लिखना है, सिर्फ फॉर्मेट ध्यान में रखना है, फॉर्मेट पूरा लिख देना है, ये जो लेटर है इसका भी सेट फॉर्मेट है, ये भी वैसे ही लिख देना है, देन सीवी इसका भी फॉर्मेट है, जस्ट रिमेंबर ऑल ऑफ दिस एंड पुट ऑल द डिटेल्स इन, ठीक है। एक बार तुम एक अपने आप से खुद इसी को देख के जो मैं असाइनमेंट दूंगा वो लेटर एक बार कॉपी में लिखना, ऐसा ही सीवी लिखना, अपने आप तुमको पता चल जाएगा कि ये बहुत ही ईजी है, ओके। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन स्टिल कॉन्टैक्ट मी ऑन माई फोन नंबर, आई होप ऑल ऑफ यू हैव माई फोन नंबर, आई एम इन द व्हाट्सएप ग्रुप, सो व्हाट्सएप ग्रुप में आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं कि आपको अगर इसमें कुछ भी समझ नहीं आया है। थैंक यू।